Good morning, students. Today we discuss the last topic of chapter number 7 is High Court. In previous chapter, you get the knowledge of power and function and formation of Supreme Court. Now, you already know about the India adopted single integrated judiciary system in which Supreme Court is the highest court of Union Judiciary and High Court is the highest apex court of our state judiciary. Or in India, the total number of High Court is 24. At Allahabad High Court founded in 1867, according to Article 215, in India each state have one High Court, and High Court of Kolkata, Mumbai and Chennai founded in 1862. The Bharat ka sabse bada High Court foundation Kolkata, Mumbai and Chennai mein 1862 mein hua hai, Allahabad High Court 1867 mein, aur ye India ka sabse biggest High Court hai. Now we discuss the topic steps of formation of High Court. First step is composition of High Court. मतलब High Court में कितने judges और कितने chief justices होते हैं. Appointment of judges. The High Court judges appointed by the President of India. Qualification for judges. High Court का judge बनने के लिए आपको कौन सी qualification चाहिए. The term of judges. Judges कितने समय तक work करते हैं, उनकी last stage क्या होती है. फिर oath taken by judges. जो जजेज हैं वो ओथ या शपथ किसके सामने लेते हैं. ट्रांसफर एंड रिमूव. जजेज किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, रिमूव किए जाते हैं. एंड जजेज आल्सो गेट द सैलरी एंड वेरियस टास्क ऑफ अलाउंसेस. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कंपोजिशन ऑफ एससी या हाई कोर्ट. ईच स्टेट हैव वन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट. भारत में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनके लिए टू स्टेट्स के लिए वन हाई कोर्ट है. फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ का हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए है. फिर हेडेड बाय वन चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एंड पार्लियामेंट कैन डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में जो भी नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये कौन डिसाइड करता है? इंडियन पार्लियामेंट. नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट and other judges of High Court are appointed by the President of India. And for the appointment of judges of High Court, President can take the advice of Chief Justice of Supreme Court and Governor of respective state. Qualification for the High Court judges. First qualification mentioned nahi hai, wo ek hi jaisi hai. He should be citizen of India. He should not more than the age of 62 years. He held the judicial post फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स. मतलब वो भारत के किसी भी हाईकोर्ट में न्यायिक पद पर 10 वर्ष कार्य किया हुआ होना चाहिए या वर्क एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स या वह किसी भी हाईकोर्ट में एडवोकेट कंट्री स्पीड ऑफ 10 ईयर्स के लिए होना जरूरी है. फिर नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट. हेल्ड द पोस्ट टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स. जो हाई कोर्ट के जज हैं वह 62 ईयर्स तक अपना वर्क कर सकते हैं. रिमूव बाय प्रेसिडेंट एंड ट्रांसफर बाय प्रेसिडेंट. द जजेज ऑफ हाई कोर्ट आल्सो रिमूव बाय इम्पीचमेंट मोशन और दिस मोशन शुड बी पास बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. एंड द जज ऑफ हाई कोर्ट आल्सो सबमिट हिज रेजिग्नेशन. वो अपना इस्तीफा भी पहले सबमिट कर सकता है. फिर ओथ. द जजेज ऑफ हाई कोर्ट टेक द ओथ ऑफ ड्यूटी एंड सीक्रेसी इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर. फिर सैलरी. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गेट द सैलरी ऑफ 90,000 रुपीज एंड अदर जजेस गेट द सैलरी ऑफ 80,000 रुपीज. फॉलोइंग प्रोविजन शो द फ्रीडम ऑफ हाई कोर्ट. ये बोर्ड के एग्जाम में 2017 और 2019 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप ऐसे 2 या 3 रीजन बताइए कि हाई कोर्ट या इंडियन जुडिशरी फ्री है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव से. तो फर्स्ट है टर्म. तो जजेस की टर्म वो फिक्स है. तो द टर्म ऑफ जजेस आर फिक्स. सेकंड है अपॉइंटमेंट. द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड थ्रू ए स्पेशल प्रोसीजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. फिर इम्पीचमेंट मोशन. द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट मोशन. फिर आपके क्रिटिसाइज. नो वन कैन क्रिटिसाइज द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. एंड लास्ट द प्रैक्टिस. अ रिटायर्ड जज कैनॉट प्रैक्टिस एज अ लॉयर
in that court where he had served as a judge. उस जगह जो जज है एक लॉयर के रूप में उस कोर्ट में काम नहीं कर पाएगा जहां पर उसने जज के रूप में रोल किया है. नाउ द पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट सेम है जो सुप्रीम कोर्ट के है. फर्स्ट इज ओरिजिनल जुडिशियल इंक्लूड दोज केसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन ओनली हाई कोर्ट. सेकंड इज रिट जुडिक्शन ये सेम है जो सुप्रीम कोर्ट का था. थर्ड है अपीलेट जुडिक्शन ये चेंज है सुप्रीम कोर्ट से. फिर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट सेम एज इट इज सुप्रीम कोर्ट का. एंड लास्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अकॉर्डिंग टू दिस पावर हाई कोर्ट डिक्लेयर इनवैलिड इलीगल अ लॉ फाउंड बाय स्टेट गवर्नमेंट इफ दैट लॉ नॉट अकॉर्डिंग टू इंडियन क्वेश्चन. नाउ वी डिस्कस द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इंक्लूड फॉलोइंग केस. फर्स्ट डिस्प्यूट रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट and election of MLA and MPs. Second, dispute related with the revenue collection. Revenue का मतलब राजस्व सरकार की जो आय है उसके collection से related कोई भी dispute है case है वो High Court में present होगा. फिर है dispute related with will, marriage law, company law, divorce, patent, probate, fundamental rights. इनसे related जो भी dispute है वो भी direct High Court में present होती है. Now the writ jurisdiction for the protection of fundamental right, High Court can issue following writs. First is habeas corpus, second is mandamus, third is prohibition, fourth is quo warranto, and fifth is certiorari. As it is same as the Supreme Court present karta hai, writ order karta hai. Then appellate jurisdiction. If a person not satisfied the decision of lower court, then he and she can file their case in high court against the decision of lower court and session court. In first is civil case, dispute related with the income tax, patent, design and succession. Succession means uttaradhikari. Second criminal case, where the criminal is sentenced for death or imprisoned for 4 years by session court, then he can appeal in high court against the decision of session court. अगर सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी है और 4 साल का जेल दे दिया है तब वह व्यक्ति सेशन कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकता है. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. इफ अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू इट कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रेजेंटेड इन हाई कोर्ट. हाई कोर्ट इज आल्सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बिकॉज इट्स ऑल द डिसीजंस आर पब्लिश एंड लेटर दिस डिसीजन यूज एज अ लॉ इन फोर्थकमिंग केसेस. हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन उनको पब्लिश किया जाता है और भविष्य में आने वाले केस में लॉ के रूप में कानून के रूप में काम करते हैं. फिर लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो लोअर कोर्ट के वर्क को सुपरवाइज कर सकता है. तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हाई कोर्ट सुपरवाइजेज द फंक्शन ऑफ लोअर कोर्ट या डायरेक्ट द फंक्शन ऑफ लोअर कोर्ट. सेकेंड ही ऑल्सो एग्जामिन द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट. लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको एग्जामिन चेक भी कर सकता है. फिर एससी हाई कोर्ट ऑल्सो रिमूव और ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट. वह एक कोर्ट को एक केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है. थैंक यू स्टूडेंट.